हरियाणा में लगातार हंगामा बना हुआ है। पहले कुछ अकाली दल बादल नेताओं ने राजीव गांधी को चरा से सिख दंगों में जिम्मेवार ठहराते हुए उनके बुत पर कालिक पोत दी, और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजीव गांधी के बुत को दूध से धोया, और एक नेताजी ने तो अपनी पगड़ी उतार कर उसके साथ राजीव गांधी के बुत को साफ किया। जहाँ एक तरफ अकाली राजीव को 84 का दंगों का जिम्मेवार ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का रास्ता बताकर अकाली नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। दिल्ली दे विच बैठे सिख साडे बैठे उन्होंने कतलेआम कराया, ये उहदा मेन जिम्मेवार है। सज्जन कुमार टाइटलर तो भी वड्डा जिम्मेवार ये आ, ते इहदे इत्थे बुत लगणे चाहीदे आ। असीं अपील करदे आ जिथे भी इहदे बुत आ सारे किते इह कुछ होना चाहीदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। देखो बहुत ही छोटी हरकत छोटे लोगों की इस सोच तो पता लगता भी अकाली दल आले किस लैवल ते अपनी सोच उन्होंने थले सिट ली आ। वो अपने धर्म च अपने पंजाब दे पंजाबियों नूं कदे सिखाया ही नहीं भी पिठ पिछे वार करना। वो तुसीं ते एक बुत ते आके वो भी चोरी आके तुसीं उन्हां छेड़खानी कर रहे हो। इत्थों पता लगता भी तुसीं नकारे हुए लोग हो, मंदबुद्धि लोग हो। इसे करके तुसीं अपने अकाली दल का सुखबीर बादल का पट्ठा बिठाया। राजीव गांधी अमर रहे, श्री राजीव गांधी अमर रहे, श्री राजीव गांधी अमर रहे, श्री राजीव गांधी अमर रहे। अकाली दल वालों की अकाली दल का परचा दर्ज होना चाहिए। मैं तुरंत इतने आया, मैं अपनी पगड़ी उतार के साफ किया, दुध मंगाया के धोता श्री राजीव गांधी का बुत। मैं इन्हों सत्कार करता दिलों साढ़े जेडे। लुधियाना से अभिषेक बहल, सिटी होम न्यूज़।